नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न के बारे में। जी हाँ, अप्रैल से आपको अपडेट पता ही होगा, अप्रैल से नई जीएसटी आने वाली है। उसमें जो ऑप्शन है, आप अभी पुराने रिटर्न जब भरने जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, जहाँ पे एनुअल रिटर्न भरा जाता था वहीं पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको पोर्टल मिल जाएगा। GSTR 3B का जो मतलब जो फॉर्मेट है, वो नया जो अप्रैल से शायद लागू होने वाला है, वो फॉर्मेट आपको अभी से एनेबल कर दिया गया है कि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें, या फिर अगर भरना चाहते हैं तो आप रिटर्न वो वाली भर सकते हैं। और उसमें आपको जो है एग्जांपल के लिए, यानी कि आपको कोई दिक्कत ना हो अप्रैल से अगर लागू होता है या कुछ होता है, तो इस वजह से वो एनेबल कर दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। तो दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको बता दूं कि जैसा कि सुनने में आ रहा है, अप्रैल से ही हो जाएगा वो, यानी कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 2021, उसमें ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसमें जो रिटर्न है वो आपको एक नए तरीके से, नए सिरे से और नए पोर्टल पे जो है जाके आपको भरना पड़ेगा, और उसमें काफी अपडेट है। तो बाकी ये अपडेट देना था आपको कि आप जाके आप जो जनवरी की आप रिटर्न भर रहे हैं उसमें से ही प्रैक्टिस करना अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको आने वाले अप्रैल में, यानी कि अगले साल में जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप रिटर्न भर सकते हैं। इस वजह से एनेबल किया गया, उसको आप देख सकते हैं जाके। तो आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, जो रिटर्न भरते हैं या जो अकाउंटेंट है, जो लोग रिटर्न का काम करते हैं, उनके लिए है ये वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।